बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की जय। जय जय संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्याशागर जी महाराज की जय। जय जय नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय बोले परम पूज मनी श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चुमंदमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन की मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। अपने बीच में योगेश जी ताम्रकार महापुर सतना अपना पहला प्रश्न वे गुरु चरणों में रखे हैं, उसके बाद में उत्तम जी बनर्जी साहब और मणिकांत जी माहेश्वरी साहब भी तैयार रहे। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और मंच पर विराजमान सभी मुनियों को, सामने विराजित सभी मुनियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हिंदू समाज को तोड़ने के प्रयास हमेशा होते रहे हैं। पहले सिर्फ धर्म के आधार पर समाज को तोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो आज़ादी के बाद के जो दृश्य बन रहा है वो उससे भी भयावह है। अब हमको जाति के आधार पर इस देश को तोड़ा जा रहा है और हमारे इस अखंड भारत से हम भारत बने वर्तमान में जो परिस्थिति है, कहीं लगने लगता है कि क्या ये समाज हमारा जाति के आधार पर विभाजित हो जाएगा। इसको रोकने के लिए आप जैसे संतों के प्रयास से, आशीर्वाद से बहुत कुछ काम हो रहा है, फिर भी जो सफलता हमें मिलनी चाहिए ऐसा लगता है कि आने वाले 10-20 साल में उसमें कुछ कमियां आने की और ज़्यादा संभावना है। मेरा निवेदन है कि इसके सुधार के लिए आपका आशीर्वाद मिले। हम लोगों के लिए क्या प्रेरणा, क्या संदेश है जिससे हम समाज को एक एकजुट करने में सफल हो सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन सब का अभिनंदन कर दें। ये लोग 2004 से मुझसे जुड़े हैं और 2004 का सतना का चातुर्मास जैनों का चातुर्मास मात्र न होकर जन चातुर्मास बना था और उसके ध्वजवाहक यही लोग बने थे। मैं चाहूँगा एक बार ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए और तब से अब तक ये सब लोग निरंतर जुड़े हुए हैं और प्रायः हर जगह इन लोगों का आना जाना होता है। आपने जो बात उठाई है वो बहुत गंभीर है। जिस तरह की गतिविधियाँ अभी चल रही है वह बहुत चिंतनीय है, पर विडम्बना यह है कि हमारे समाज का प्रबुद्ध वर्ग इन सब बातों को कोई तवज्जो देना नहीं चाहता। खासकर हमारी जो नई पीढ़ी है उनके लिए ये सब बातें बहुत सामान होने लगी है। छोटी छोटी बातों में सेकुलरिज्म की बात सामने आने लगती है, तो ये बहुत
खतरनाक परिदृश्य को उत्पन्न कर रही है और इसका परिणाम भयावह होने वाला है। इसके लिए हम सबको मिलकर एक ही काम करना चाहिए कि पूरे देश में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने का अभियान चलाना चाहिए। जब तक हम ऐसे अभियान को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने देश को दुरावस्था से नहीं बचा पाएंगे। ये बात सही है कि वर्तमान में देश तकनीक और प्रौद्योगिकी के जगत में बहुत आगे बढ़ा है, आर्थिक रूप से भी देश बहुत सुदृढ़ हुआ है और देश ने एक अलग राजनीतिक शक्ति में भी अपने रूप में भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पकड़ बना ली है। लेकिन आंतरिक स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, जो परिदृश्य उभर रहे हैं वे अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। इसके लिए बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, सब वर्ग को आगे आने की ज़रूरत है और एक ठोस नीति बनाकर सामूहिक उपक्रम चलाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कुछ हो जाएगा तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे। हम साधु संत मिलजुल करके ये कार्य करें और सामाजिक समरसता का एक अच्छा वातावरण बनाए। हाँ, उत्तम जी बैनर्जी साहब जो प्रांत कार्यवाह हैं आरएसएस के, वे अपने प्रश्न महाराज जी चरणों में रख रहे हैं। पूज्य गुरुवर और समस्त मुनि संघ और यहाँ उपस्थित सभी संत और मातृ संतों के श्री चरणों में सतना की तरफ से, सतना के सकल समाज की तरफ से, सतना के जैन समाज की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पिछले 20 वर्षों से हम आपसे जुड़े हैं और समाज में हम लोग जो सार्थक परिवर्तन देखना चाह रहे थे वह परिवर्तन समाज के प्रयास से तो हो रहा है, लेकिन समाज को तोड़ने वाली शक्तियां भी इन 20 वर्षों में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। देश के ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा पीढ़ी और नई पीढ़ी को भ्रमित करने का प्रयास, हमारे देश की परिवार संस्था को तोड़ने का प्रयास, यह विश्व शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमारे भारत की जो शक्ति, जो हमारा परिवार हमारे भारत की शक्ति रही है, जिसे हम कुटुंब कहते थे, आज वह कुटुंब खतरे में है। उस कुटुंब को कैसे बचा कर रखें ताकि आने वाले भारत का नेतृत्व करने वाले ऐसे युवा पीढ़ी तैयार हो सके, यह एक यक्ष प्रश्न समाज के सामने है। मुझे लगता है आपसे इस विषय का समाधान प्राप्त हो सकेगा। बहुत ही गंभीर चिंता आपने प्रकट की है, ये कैसे विडंबना है जिस देश में कभी पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की बात की जाती थी। परिवर्तन आया, सब कुछ ग्लोबल सिस्टम से जुड़ा और विश्व अब एक बाजार बन गया। हमें इन सब चीज़ों के बिखराव या विखंडन के जो कारण हैं उसमें दो प्रमुख कारण दिखते हैं। एक उपभोक्तावादी सोच का विस्तार और दूसरी बात अपसंस्कृतियों का प्रसार। तो ये बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद जिसे निरंतर बढ़ा रहे हैं, आज जिसे कंज्यूमरिज्म के नाम से जाना जाता है, हमारी सोच को पूरी तरह से विकृत कर दिया। अब व्यक्ति कम, वस्तु का महत्व बढ़ गया। हमारे संबंधों का आधार प्रेम और आत्मीयता थी, परस्परता और बंधुत्व जैसे मूल्य थे, उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। इसका सीधा प्रभाव हमारे अंदर की संवेदना पर पड़े। जब हमारा चित्त संवेदनहीन होने लगा तो सोच भी संकीर्ण होने लगी। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है कि परिवार जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती थी
आज के दौर में वह अब अर्थहीन होने लगा। तो उपभोक्तावादी सोच को मिटाने के लिए हमें आध्यात्मिक चेतना को जगाना चाहिए। आत्मवाद का विस्तार, अध्यात्मवाद का विस्तार जो हमारे भारत का मेरुदंड है, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, उसे विस्तारित करने चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब हम आज की शिक्षा व्यवस्था में इन सब चीज़ों को जोड़ें। वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से इसके उलट है। हमारे बच्चों की मानसिकता बचपन से ही दूर हो जाती है और इस तरह की बातें आज पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, जिसमें हमारा सब प्रकार का मीडिया भी शामिल है, वो ऐसी बातें परोसता है जो हमारे मूलभूत सांस्कृतिक अवधारणाओं के विरुद्ध है। लोग भटक रहे हैं और उनके लिए ये सब चीज़ें आउट ऑफ डेट होते जा रही, तो ये बहुत चिंता का विषय है। हमें अध्यात्मवाद का विस्तार करना होगा और समाज के सब वर्ग को लेकर के इसमें चलना चाहिए। बच्चे बच्चे में और हर घर परिवार में ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अपने परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिकता से जोड़कर घर परिवार और समाज के साथ उनके संबंध और दायित्व का बोध कराए। दूसरी बात, जो अपसंस्कृतियों का विस्तार हो रहा है, सब तरफ वैसी ही उल्टी पुल्टी बातें लोगों के दिमाग में भर रहे। जैसे दूसरे शब्दों में मैं कह दूं तो आज के मनुष्य के दिमाग में बहुत कचरा भरा जा रहा है, इसलिए सोच विकृत हो रही है। उसके लिए सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण जरूरी। क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इसका तो फिर भी लोगों ने थोड़ा विवेक आने लगा, लेकिन क्या देखें क्या न देखें, क्या सुने क्या न सुने, क्या पहने क्या न पहने, इसका विवेक बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अवांछित बातें मनोमस्तिष्क में आ रही है और उसकी सड़ांध जीवन में दिखाई पड़ रही। तो इस अपसंस्कृति का प्रभाव हम पर कम से कम तर हो, उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोगों के हृदय में एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना जगाएं जिससे उनके हृदय में संस्कारों की ज्योत जले और वे इस कुप्रभाव से स्वयं को और समाज से मुक्त कर सके। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके कार्यक्रमों में कुटुंब प्रबोधन का भी एक कार्यक्रम है, मैंने उसे कई बार समझा है। इस तरह के कार्यक्रमों को बृहद पैमाने में करना चाहिए। साधु संतों से भी संपर्क करके आप लोग ये निवेदन करें कि आप अपने धार्मिक प्रवचनों के साथ ऐसे मूल्यों को महत्व दें, ऐसी बातों को महत्व दें और खासकर युवा वर्ग के लिए कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम चलाएं, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और हम इस ह्रास की गति को कुछ अंशों में रोक सकते। मणिकांत जी माहेश्वरी, अध्यक्ष सेवा भारती महाकौशल, संस्कार भारती, संस्कार भारती, सेवा भारती ने, हाँ ठीक। यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थिति दुखे न गुणापि विचाल्यते। गुरु जी प्रणाम। मेरा एक आध्यात्मिक प्रश्न है कि हम सब साधक लोग हैं, साधना करते हैं, लेकिन ध्येय भाव नहीं छूटता, तो इसके लिए कृपया बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा। देह भाव छोड़ने के लिए क्या करें? देखिए, देह की अशुचिता का बार बार चिंतन करें। जब हम देह की अशुचिता का, उसकी अपवित्रता का बार बार चिंतन करते हैं तो अपने आप देह भाव से मुक्ति हो। हम अंदर क्या है ये तो ऊपर से कवर है, अगर ये ऊपरी आवरण को हटा दिया जाए तो अंदर क्या होगा उसका चिंतन यदि हम पुनः पुनः करेंगे तो भेद विज्ञान जगेगा, आत्म भाव प्रकट होगा, तो अपने आप देहाशक्ति मंद पड़े। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री नीरज जी वर्मा साहब, इंदौर। मुनिश्री को प्रणाम, सभी उपस्थित जनों को नमस्कार।
मेरा प्रश्न जो योगेश जी और उत्तम जी ने प्रश्न किया है उससे मिलता जुलता है। हम लोग सब कहीं ना कहीं थोड़े भयभीत हैं आगे वाले भविष्य को देख के, और मुझे लगता है कि जो हमको यहाँ सिखाया जाता है बचपन से कुछ चीज़ें कि जैसे सर्वधर्म संभाव या हम बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, क्या इससे अब कुछ अलग शिक्षा देने की ज़रूरत आ पड़ी है? देखिए, सर्वधर्म संभाव या अहिंसा परमो धर्म ये तो शाश्वत बात है, इसे अपनाना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक पहचान। लेकिन इसके अर्थ को समझना चाहिए। सर्वधर्म संभाव का मतलब ये नहीं कि आप सब धर्म को एक मान लो, सर्वधर्म संभाव का मतलब है सब धर्मी संभाव से रहो। धर्म एक कैसे होगा? धर्म एक होता तो दुनिया एक हो जाती। सबका धर्म अलग अलग है, धर्म हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुरूप अपने धर्म के पालन का अधिकार है, उसको पालन करना चाहिए। लेकिन अपने धर्म को दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए और किसी के धर्म पर आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। धर्म के नाम पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए, यही सर्वधर्म संभाव का अर्थ है। धर्मी में संभाव हो, धर्मी सब मिलजुल करके एक हो, ये सर्वधर्म संभाव है। सर्वधर्म संभाव का अर्थ अगर ये ले लिया सब धर्म एक है तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास हो गए। आपकी निष्ठाएं कैसे होगी? हमारे धर्म को ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, हम सब धर्मों के साथ एक सुविचारित दर्शन है, उसकी एक प्रौढ़ पृष्ठभूमि है जिसके ऊपर ये धर्म पल्लवित हुआ है। और अनंत काल से धर्म का वह प्रवाह हमारी संस्कृति में चला आ रहा है। और भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है, अनेकता में एकता। एक गुलदस्ते में अनेक फूल रखते हैं तो उसकी सुंदरता आती है। सब फूल का अपना मूल्य है, लेकिन हम सब फूल को एक नहीं मान सकते। फूल एक रह सकते हैं पर फूल अलग अलग है, और जब तक सब फूल की अलग अलग पहचान है तभी तक गुलदस्ते में जान है। तो हमें अपनी धार्मिक पहचान को खंडित नहीं होने देना चाहिए, और ये हमारी पीढ़ी को समझाना चाहिए। धर्मी में सद्भाव है, धर्म में नहीं। धर्म के नाम पर लड़ाई कतई उचित नहीं है, कोई धर्म ये सिखाता नहीं। हमारे यहां कहा गया, धर्मो यो बाधते धर्म न धर्म स कुधर्म तत्, धर्मा विरोधी यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। एक धर्म जो दूसरे धर्म को बाधित करता है वो धर्म नहीं कुधर्म है। जो लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं और जो धर्म लड़ना सिखाता है वो धर्म ही नहीं कुधर्म है। धर्मा विरोधी यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। सच्चा धर्म वही है जो दूसरे धर्म का अपमान न करे, दूसरे धर्मी का अपमान न करे। लेकिन मेरा धर्म मेरा है, मुझे अपने तरीके से धर्म पालन की आज़ादी है और मैं उसे पाल सकता हूँ, मुझे पालना चाहिए। क्योंकि मैंने जिस धर्म को स्वीकार किया है वो अपनी श्रद्धा से स्वीकारा है, अपने विवेक से स्वीकारा है, किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के स्वीकारा है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं, ये मेरे जीवन की आंतरिक निधि है जिसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। ये बात हमें बच्चे बच्चों को सिखाना चाहिए। तो सर्वधर्म संभाव का जो मूलभूत अर्थ है उसे ठीक तरीके से पहचानना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई आप पर आकर आक्रमण करे और आप मूक दर्शक बन करके रह जाएं। हमारे तीर्थंकरों ने अहिंसा को दो तरीके से व्याख्यायित किया, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। महाव्रत हम मुनियों के लिए, अनुव्रत आप गृहस्थों के लिए। हम मुनियों के ऊपर कोई हमारी हत्या करने के लिए भी आएगा और हम पे इतनी सामर्थ्य हो कि हम उसे फूंक दे और भस्म हो जाए तो भी हम प्रतिकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुनि हैं और हम सर्वभूतात्मवाद के साथ जुड़ते, सर्वभूतात्म भावना के साथ जुड़े हुए हैं। तुम मेरा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मुझे सच से छेदा नहीं जा सकता, मुझे भेदा नहीं जा सकता, मुझे कुछ किया नहीं जा सकता। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, हम आत्मोपासक हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा आदेश नहीं। आपके लिए संकल्प पूर्वक हिंसा करने का निषेध है।
अपने स्वार्थ के लिए इरादतन किसी को मारने का निषेध है, लेकिन आतताई आक्रमणकारी से अपने सत्य और अस्तित्व की, अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए यदि अस्त्र उठाना पड़े तो हिंसा नहीं आपका धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण के लिए अस्त्र उठाया, वो हिंसा नहीं थी, रामचंद्र जी परम अहिंसा के उपासक थे, लेकिन उस समय वो अस्त्र उठाना उनका धर्म था। अगर वो उस समय अस्त्र नहीं उठाते तो अहिंसक नहीं कायर कहलाते, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं था, रावण को सबक सिखाकर आने वाली पीढ़ियों को, पीढ़ियों की सीताओं की रक्षा करने का था। पांडवों ने कौरवों के विरुद्ध अस्त्र उठाया, ये विरोधी हिंसा थी, ये उनकी मजबूरी थी। तो आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना आपका धर्म है, जब जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। अहिंसा के इस मूल अर्थ को समझिए, आपके लिए संकल्प ही हिंसा मात्र का त्याग है, विरोधी हिंसा के आप परित्यागी नहीं। जैन धर्म जो मूलतः अहिंसावादी धर्म है, उस जैन धर्म में भी अनेक महान योद्धा हुए जिन्होंने आतताई आक्रमणकारियों को सबक सिखाया है और लोहा लिया है। राणा प्रताप के संघर्ष में सहायता देने के लिए उनका सेनापतित्व करने वाले भामाशाह, जिन्होंने एक तरफ अपना खजाना लुटाया और दूसरी तरफ भाला लेके उनके साथ आ गया है, ये कौन थे? ये अहिंसा परमो धर्म को जीने वाले थे। इसलिए अहिंसा की अवधारणा को समझाइए। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक चींटी को भी नहीं मारेंगे, लेकिन यदि कोई हमारे देश पर, यदि हमारे कोई संस्कृति पर, यदि कोई हमारे धर्म पर, यदि कोई हमारे धर्मायतन पर, यदि हमारी समाज पर, यदि हमारी कुटुंब पर, या यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन पर कोई आघात पहुंचाएगा तो उसको धूल चटा सकते हैं, यह आपका कर्तव्य। यही वीरोचित धर्म है और यही अहिंसा का अभिप्रेत अर्थ है। इसे समझेंगे तो सुपरिणाम आएंगे और ये संदेश सब तक पहुंचाना चाहिए। अहिंसा वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं। हम अहिंसा के इतिहास को पलट कर देखें। जैन पद्म पुराण में एक बात लिखी उत्तम जी, जैन पद्म पुराण में लिखा कि कोई योद्धा अगर रणांगण में युद्ध करने के लिए जाता है तो एक तरफ उसके स्वागत के लिए विजय का सेहरा लेकर उसकी धर्म पत्नी प्रतीक्षारत रहती है, तो दूसरी तरफ स्वर्ग में सुरांगना। यदि विजय करके लौटता है तो उसके सिर पर विजय का सेहरा उसकी धर्म पत्नी पहनाती है, और यदि वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्गी की सुरांगना। यह अहिंसा का अर्थ है। तो विरोधी हिंसा हिंसा नहीं है, वहां हम हिंसा के लिए हिंसा नहीं कर रहे, अहिंसा के लिए हिंसा कर रहे। आज यदि हम अहिंसा का अर्थ ऐसा ही मानते रहे तो सीमा के सारे सारे जवानों को हटा दे तो हमारा आपका होगा क्या, हम आप यहां बात कर पाएंगे? वे वहां अपनी जान लगाए हैं, इसलिए आज हम आप धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, हम अहिंसा की बात कर पा रहे हैं। इसलिए छात्र कर्म को अहिंसा धर्म कभी नहीं रोकता, वो कर्तव्य है, और भारत के अहिंसकों को इसका अर्थ समझना चाहिए, उसे समझाना चाहिए और वीरोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये संदेश आप लोगों के माध्यम से सब तक जाएगा और हमारी नई पीढ़ी तक ये आगे पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं पुनः चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सतना के चातुर्मास में रमेश जी अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने इतनी कुशलता से पूरी समाज को जोड़ा, और उनमें ये तीनों इतनी प्रमुखता से थे, और पूरा सतना समाज हमारे इतने चातुर्मासों में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया, इसका श्रेय इनको जाता है। एक बार पुनः अभिनंदन करें, सभी को आशीर्वाद। अगले प्रश्न के लिए गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और दयोदय के यशस्वी, दयोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, कटनी सतना भोपाल, जोरदार तालियां उनके लिए भी। और साथ में हैं गुणायतन के उनके भ्राता, गुणायतन के निर्माण मंत्री
इंजीनियर रमेश जी और अभी जो खजुराहो में चातुर्मास चल रहे हैं उसमें अपनी पूरी अहम भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे रमेश जी इंजीनियर साहब आज अपने बीच में हैं। वे आचार्य समय सागर जी महाराष्ट्र वहाँ पर जो चातुर्मास चल रहा है उन दोनों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सुभाष जी CEO गुणायतन और विक्की भाई गुणकुरी मंच में विराजमान मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना भी हो तो और बहुत अच्छा, ऐसी धारणा कैसे बनाए। उसी प्रकार वर्तमान की सोचे तो खुश रहते हैं और भविष्य की सोचते हैं तो दुखी रहते हैं। कृपया दोनों प्रश्नों का। मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, ऐसा हम कैसे करें? बड़ा सरल है, कुछ मत करो, मन को पानी बना लो, मन को सरल बना लो। तो मन का हो तो भी और मन का ना हो तो भी, अगर मन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हो जाए तो सब अच्छा होगा। जो मन जिसका मन मानने के लिए तैयार हो जाता है उसे मनाने की ज़रूरत नहीं होती, सारा काम हो जाता है। और वर्तमान को देखे तो सुख और भविष्य को देखे तो दुख, यही बोलना चाह रहे हो? तो मैं तो यही कहूँगा, अगर वर्तमान को देखे तो सुख और भविष्य को देखे तो दुख, इस अवधारणा को हटा दें। वर्तमान को जिए तो भविष्य में भी सुख, वर्तमान में भी सुख, ये अवधारणा बना ले तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। आज अपने इस सत्र में, संकट समाधान के सत्र में, उज्जैन के महापौर मुकेश जी टटवाल यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें और वे मंच पर चले आएंगे। उनके साथ में संग्राम सिंह जी जोनल अध्यक्ष, विजय जी कुशवाहा जोनल अध्यक्ष, शिवेंद्र जी तिवारी वरिष्ठ MIG मेंबर, हंसराज जी भोपाल और दयोदय ट्रस्ट के ट्रस्टी RP जी पाटोदी सभी मंच पर चले आएं और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी भी आ जाएं। अध्यक्ष जी श्रीमान अशोक जी दोषी और दिलीप जी डोदा उपाध्यक्ष और महोत्सव के अध्यक्ष श्री नवीन जी डोदा हैं और साथ में यजमान परिवार से मुकेश जी पाटोदी परिवार, वे भी आ जाएं। हमारे जितने भी आगंतुक अतिथि हैं उनका स्वागत अभिनंदन भारतीय परंपरा के अनुसार करें और आप लोग तालियों में कंजूसी न करके जोरदार सार तालियां इन सब के लिए। और मैं चाहूंगा आज प्रथम प्रश्न मुकेश जी टटवाल जो उज्जैन के महापौर हैं, टटवाल साहब उज्जैन महापौर अपना प्रश्न गुरुदेव के चरणों में कर रहे हैं और इधर अन्य जो अपने बीच में अतिथिगण आए हैं, पार्षदगण हैं, वे उनका स्वागत अभिनंदन भी चल रहा है। बोलिए टटवाल साहब बोलिए। हाँ ठीक है। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपका हमारे इस मध्य प्रदेश की भूमि इंदौर में आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और गुरुवर आपसे प्रार्थना है कि हमारा उज्जैन भी बाबा महाकालेश्वर की नगरी है, आप उज्जैन में भी पधार कर हमारे उज्जैन वासियों को भी धन्य करें, आपका दर्शन और आपके प्रवचन का लाभ हमारे उज्जैन वासियों को भी मिले। गुरुवर के कार्यक्रम मैंने TV में जब चैनल बदलते बदलते आ जाते हैं तो कई बार मैंने देखा है, मतलब ऐसे तो रुक करके नहीं देखा लेकिन रिमोट दबाते दबाते जब चैनल में आ जाए तो मैंने देखा है। तो सबके अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं लेकिन गुरुजी आपके आशीर्वाद से और पार्टी ने जो दायित्व दिया है तो मेरे प्रश्न भी अलग प्रकार के हैं और मेरी समस्याएं भी अलग प्रकार की रहती है। धर्म में हम सब लोग जानते ही हैं परमात्मा से मिलना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सारे कर्म हम करते ही हैं लेकिन मुझे जो दायित्व मिला है उस दायित्व से हमारे उज्जैन की जनता की सेवा करने का दायित्व है। जनता की सेवा करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये काम अच्छा है, इसको करने से लोगों का अच्छा होगा या जिस संस्था का दायित्व उसका अच्छा होगा, लेकिन अधिक प्रभावशाली लोग होते हैं जिनके कारण से कोई चाहते हुए भी अच्छे काम को अच्छा नहीं बता पाते, तो मन में एक दुविधा चलती रहती है लेकिन अपने आप को समझा करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आपका क्या मार्गदर्शन है गुरु जी, यही मैं चाहूँगा। देखिए
किसी भी व्यक्ति को जो किसी सार्वजनिक कार्य में सार्वजनिक दायित्व का पालन कर रहे उनके लिए चाहिए कि वैयक्तिक हितों की अपेक्षा सामुदायिक हितों को प्रमुखता दें। यदि किसी के दबाव प्रभाव में आकर या किसी के व्यक्तिगत हितों से प्रभावित होकर हम सामुदायिक हितों को बाधित करते हैं तो ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। हमारी नीतियाँ हमारी रीतियाँ कुछ इस तरह की बने कि हम व्यक्तिगत हितों को गौण करके सामुदायिक हितों को प्रमुखता दें और यही आपको स्थायित्व देगी और इसी में आप अपने दायित्वों के साथ न्याय कर पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे आज अपने बीच में रानीला क्षेत्र की कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। तिलक जी जैन, अरुण कुमारी जैन जो आज गुणायतन के ट्रस्टी भी बने हैं, और अशोक जी जैन गुणायतन ट्रस्टी, और विजय कुमारी जैन जो स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। मैं चाहूंगा कमेटी के पदाधिकारी ये अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रशांत जी पहाड़े, शिरोमणि संरक्षक, बेंगलोर, यूएसए। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु एवं अन्य गुरुओं और माता जी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। गुरुदेव, हम हरियाणा के चरखी दादरी में रानीला क्षेत्र है, वहाँ से ये कमेटी पधारी है आपके आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरणों में। आप सो हम लगभग 2 साल से लगातार टीवी के माध्यम से आपको सुनते आ रहे हैं। हमारे मन में बार बार टीस हुई कि आपसे मिलें। गुणायतन भी एक बार शिखर जी भी जाने का प्रोग्राम बना मगर किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच सके। अब इंदौर में हमें हमारा सौभाग्य था कि हम आपसे मिल सके। हम सुबह सुबह ही दिल्ली से आए थे, आते ही एयरपोर्ट से हम सीधा आपके स्थान पे आए। हम बहुत भाग्यशाली थे, हमें शांति धारा का भी सौभाग्य मिला और आपका आशीर्वाद भी मिला। आपके आशीर्वाद से हम धन्य हो गए। आपका बहुत बहुत इस महीने में बहुत बहुत धन्यवाद भी हम करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद पुनः चाहते हैं। गुरु जी, मेरी कोई शंका तो नहीं है मगर एक छोटा सा समाधान मैं चाहता हूँ। ये जगह जगह ये चीज़ होती है, मैं चाहूँगा कि कोई इससे बुरा ना माने। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे हम जगह जगह मैं जगह जगह हम विधान कराते हैं, विधान में महाराज प्राकृत भाषा में होता है और जो विधान कराते हैं वो प्राकृत भाषा को ठीक से बोल नहीं पाते, उसमें गलतियां रह जाती हैं, तो हम उसका क्या करें उस विधान को कुछ। ओ, देखिए, अगर कोई विधान में हम मंत्र बोलते हैं ना तो मंत्र में शुद्ध उच्चारण का प्रयास करना चाहिए और मंत्र का अर्थ न जानो तो कोई बुराई नहीं, उसकी ध्वनि मात्र से हमारा कल्याण होता है। श्रद्धापूर्वक बोलो तो हम लोगों को अंजन चोर याद आएंगे, आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन परमानम, उनका अपना प्रभाव पड़ता है और प्रभाव के साथ अपना काम करना चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार पूरी रानीला के इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए और ये इसी तरह अपनी भावना को आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रशांत जी पहाड़े जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के बेंगलोर यूएसए से अपने बीच में हैं, जोरदार तालियों से उनका सम्मान। और मैं चाहूंगा मुख्य यजमान इस महोत्सव के मुकेश जी पाटोदी वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर दें और साथ में रहेंगे दोषी अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अनूप जी जैन जो सीनियर IRS है भोपाल से अपने बीच में। नमस्तु गुरुदेव। मैं आज लगभग 30 साल से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हूँ, 20 से ज़्यादा साल US में रहा हूँ और टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अभी जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें जो अपन करते हैं वो अभी मशीन करेगी
और इसका असर हर एक क्षेत्र में हो रहा है। तो मेरी यह शंका है कि इसका अपना सामाजिक व्यवस्था पर, अपने संस्कार पर, स्पिरिचुअलिटी पर इसका क्या असर होगा? देखिए, ये सवाल तो उस समय भी बहुत उठते थे जब सुपर कंप्यूटर आया था, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वे सारे सवाल अब अतीत के गर्भ में चले गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उभर रहा है उसका रूप बड़ा विकराल हो रहा है और ऐसा लगता है कि मानव की उपयोगिता को समाप्त कर देगा। और जिस दिन मानव की उपयोगिता समाप्त होगी तो समाज की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी, अराजकता बढ़ जाएगी, संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के उपयोग पर यदि हमने थोड़ी समझदारी का परिचय देना शुरू कर दिया तो कठिनाई नहीं है। हम उसके औचित्य को समझें और उनके उपयोगिता का अगर हमने ठीक तरीके से पालन करना शुरू कर दिया तो स्थितियाँ कुछ नियंत्रित हो गई। जहाँ तक इसे रोकने का सवाल है तो रोक पाना तो संभव नहीं है। लोगों में एक जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम मानवता के कल्याण के लिए ही करें, अन्य कार्यों के लिए नहीं, तो वो हमारे लिए बेहतर है। अपने बीच में भोपाल से जब भोपाल प्रवास रहा तो उस समय धर्म की प्रभावना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया अनूप जी जैन, वरिष्ठ IRS, इनके लिए जोरदार तालियां और इनके सम्मान के लिए महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंद जी गोदा और साथ में ही हसमुख जी गांधी, वहीं पर उनका सम्मान कर दें। और अनूप भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं, साथ में ही तैयार रहेंगे इसके बाद सुशील जी अजमेरा और शांतिलाल जी बंसाली साहब। पूज्य गुरु जी को और पूरे मुनि संघ को नमस्तु, नमन गुरु जी। गुरु जी, पहले सूचना उपलब्ध नहीं होती थी, ज्ञान कम था, अब सूचना बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती है। हमारे यहाँ पर गुरु जी महाव्रत अणुव्रत बताए गए हैं, हमारे यहाँ पर कसाय बताए गए हैं और पाप बताए गए हैं। इन सब में एक कॉमन है, वो है झूठ, मतलब झूठ ना बोलना या झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। गुरु जी, हम आज सूचना के युग में व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस को बिना तथ्यात्मक जाने हुए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जब उनको आगे भेजते हैं तो ये क्या हमारे महाव्रत और अणुव्रत के झूठ या सत्य के श्रेणी में नहीं आता? और गुरुजी दूसरी बात कि जब हम लोग आपको आहार देते हैं या और मुनियों को आहार देते हैं तो हमसे कहा था रात्रि भोजन छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, तो मुनि गुरुजी ये नहीं कहा जाना चाहिए कि व्हाट्सएप पे बिना सोचे समझे संदेश भेजना छोड़ो? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अनूप भाई का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, ये हमारे समाज के एक बड़े होनहार अधिकारी और एक अच्छे श्रावक, धर्म के लिए पूरी तरह समर्पित। आपने जो सवाल किया ये बहुत ही अर्थपूर्ण सवाल है और हमें ऐसे सवालों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि सोशल मीडिया के कारण हमारा बहुत भारी नुकसान हो रहा है, सामाजिक नुकसान भी है और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के नुकसानों से बचने के लिए हमें अपने आप को सजग और सावधान करना चाहिए। आपने ठीक कहा, मैंने ये बात तो अनेक बार कहा कि भोजन का उपवास करने की जगह मोबाइल का उपवास करना शुरू करो, न्यूज फास्टिंग शुरू करो, ये अच्छी बात है। इसी तरह एक आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि हम बिना जाने समझे कोई भी समाचार को प्रसारित नहीं करें, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बंधुओं, भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और जो न केवल गो सेवक हैं अपितु आचार्य श्री जी या महाराज जी के संकल्प को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे सुशील जी अजमेरा और आने वाले समय में बेरोजगारी को भी दूर करने वाले हैं, ऐसे शांतिलाल जी बंसाली जिन्होंने एक बहुत बड़ा भूखंड इस कार्य क्षेत्र के लिए भी दिया, वो भी अपनी बात रखेंगे। आज अपने बीच में जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और सम्मान के लिए हर्ष जी जैन जो महामंत्री हैं धर्म प्रभावन समिति के और साथ में मनोज जी बाटलीवाल, वहीं पर उनका सम्मान कर दे दोनों, और दिलीप जी रोधा भी वहीं पहुंच जाएं, उपाध्यक्ष
वहीं पर उनका सम्मान कर दें। आप लोग तालियों में कंजूसी करें, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं सुशील जी। हाँ बोलिए सुशील। परम श्रद्धेय गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत सत नमन, सभी मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव जैसा कि आपसे पिछली मुलाकातों में मैंने बताया था, सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि हमने आधुनिकता की दौड़ में हमने हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। हमारी जो स्वदेशी सब व्यवस्थाएं थी उन सभी व्यवस्थाओं को हमने खराब कर दिया। अगर हमको वापस अपने मौलिक रूप में अपने देश को लाना है तो हमें सबसे पहले अपना अनाज सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो आज पूरे देश में कहीं भी बिना रसायन के, मतलब बहुत कम मात्रा में बिना रसायन के खाद्यान्न फल और सब्जियां मिल रही है। तो हमने यह बीड़ा आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से 20 साल पहले उठाया था और तब से हम गोपालन कर रहे हैं। और अभी हमने इंदौर में शहर की जनता के लिए उनकी छतों पर बागवानी करना सिखाना शुरू किया है, कई घरों में काम शुरू हो गया है और सफलतापूर्वक हमने एक भयंकर ग्रीष्म ऋतु का सामना किया और सफलतापूर्वक हमने उसमें उत्पादन भी लिया है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग अपनी सब्जी स्वयं उगाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहर फल और सब्जियों में डाला जाता है। अनाज दलहन और तिलहन के ऊपर छिलके होते हैं, इससे एक थोड़ी सी सुरक्षा हो जाती है, लेकिन फल और सब्जियों में जहरीला कीटनाशक जो छिड़का जाता है, कई कई कीटनाशक तो ऐसे हैं जो 50-50 साल तक इफेक्टिव है, उनका असर 50 साल तक रहता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब इंदौरवासी जो भी चाहें ग्रुप में आए, और हमारे यहाँ प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था है, और जो लोग नहीं कर सकते हैं असक्षम है तो उनके यहाँ हमारी टीम जाकर बहुत कम शुल्क में उन्हें सेवा देती है। पर हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निःशुल्क हमारे यहाँ से सीखे। हमारे यहाँ से जो भी योगदान होगा हम बिल्कुल करने के लिए हमारी टीम तैयार है। एक काम ये कर रहे हैं और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से दूसरा काम हम शुरू करने का संकल्प लिया है। हमारे समाज के जितने भी बच्चे जो पढ़ाई में आगे नहीं आ पाते या उनको किसी और क्षेत्र में अवसर नहीं मिलता है तो वो कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाए। हम उनको 6 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे, रहने खाने की पूरी व्यवस्था हम करेंगे, और उनसे जो श्रमदान होगा उस श्रमदान का भी हम उनको शुल्क देंगे। और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में हम उनको जमीन उपलब्ध कराएंगे, उस जमीन में वो सब्जियां और फल उगाकर हमारे समाज के लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएंगे। इसमें हमारे एक साथी है श्रीमान शांतिलाल जी भंसाली, इनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है। इन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और बोला मेरी ज़मीनें ऐसे ही पड़ी है, आप जो चाहें इसका उपयोग कीजिए। तो हमने इनकी ज़मीनों पर काम शुरू भी कर दिया है। तो गुरुदेव बस आपसे आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहूँगा पहले तो एक बार सुशील जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। बहुत ही जीवट जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। इन्होंने इस अभियान के लिए अपना व्यापार व्यवसाय घर संपत्ति सबका मोह त्याग दिया और इस कार्य को करने में अपने आप को खपा दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि आज आप लोगों के पेट में भारी मात्रा में जहर जा रहा है। साग सब्जियों और अन्य खाद्यान्नों के माध्यम से शरीर जहरीला हो रहा है और उसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां आप सब लोगों को घेर रही है, आप उनसे ग्रसित हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए उपक्रम करना चाहिए। अभी तो हमने शुरू कर दिया कि आप शुद्धि के साथ ऑर्गेनिक है तब आहार दो, और ये कार्यक्रम इंदौर में निर्बाध चल रहा है, देश भर में होना चाहिए, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सुशील जी का भी बड़ा योगदान है। आज अभी सुशील जी ने जो एक प्रस्ताव दिया
कि अगर आपके घर में 400 फुट तक का भी खुला स्थान है, छत है, तो वहाँ वर्टिकल रूप से आपके घर भर की जितनी आवश्यकता है उतनी सब्जी उगाने की व्यवस्था करवा देंगे। कितना बड़ा ऑफर है, इंदौर के लोगों को तो हाथों हाथ लेना चाहिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए ये काम करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि आप जहर खाने से बच सके। और अभी दिलीप जी गोदा बोल रहे थे, मैंने अपने घर में लगा लिया है और हम सब्जी लाने में जितना समय लगता उससे कम समय उनकी देख रेख में करते हैं, तो घर में शुद्ध सब्जियां उपलब्ध होती हैं। लोग इसको बढ़ावा दें। और इन्होंने कहा इंदौर से बाहर भी वे अगर लोग चाहेंगे तो उसकी सशुल्क सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत अनुकरणीय पहल है और कृषि क्षेत्र में इसी जागरूकता को लाने के लिए हमारे समाज के युवकों के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वो बहुत अनुकरणीय है। यदि इस तरह के प्रस्ताव दो चार लोग और ले आए तो बहुतों का काम हो सकता है। सुशील जी के इस कृत्य के लिए और उनके सहयोगी बनने के लिए शांतिलाल जी भंसाली ने जिस उदारता का परिचय दिया उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव, एक और मैं क्षमा चाहता था, सिर्फ इंदौर नहीं बाहर भी कहीं भी है तो शुल्क, मैं किसी भी जगह शुल्क नहीं लेता हूँ, मैं सब जगह निशुल्क सेवा देता हूँ। जाने वालों का खर्चा तो लोगे भैया, बस जो कर्मचारी जो होंगे उनकी, तो वही बोल रहा हूँ, वो लेना नहीं छोड़ना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक छोटा सा निवेदन था, अगर आप एक बात सुन लो, फ्री की सलाह का मुफ्त की सलाह को लोग मुफ्त में खत्म कर देते हैं, थोड़ा लेना, आगे समझ में, जो लागत है वो लेना, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप आज्ञा दे तो एक छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो, छोटा सा, थोड़ी देर बाद। अच्छा। क्या दिखाएंगे उसमें? बस वही छत पे। अब अभी आज रहने दो, आपकी बात हो गई। हाँ, स्वाति जी मेहता एवं परिवार, आज उनका जन्मदिन भी है, पूना से जो रुणाइतनी ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नरसिंहपुरा महिला मंडल, नरसिंहपुरा समाज महिला मंडल अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में MPEB बोर्ड के आज बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर गुरु चरणों में आए हैं, उसमें सभी पदाधिकारी एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न कर लेंगे। श्री पवन जी जैन, शैलेंद्र जैन, अंतिम जैन जी आदि पूरी टीम वहाँ यहाँ पर उपस्थित हुई है। ओ बोलिए। श्रमण संस्कृति के परिचायक मुनित्रय के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्ष्वामि। गुरुदेव, शादी ब्याह मकान दुकान मुहूर्त सभी कुंडली एवं पंचांग देखकर की जाती है, फिर भी उसमें अच्छे बुरे परिणाम होते हैं, जैन धर्म के अनुसार कहाँ तक सही है? अगर ये उचित नहीं है तो मंदिर पंचकल्याणक, यहाँ तक कि मंदिर निर्माण में जो मूर्ति प्रदाता हैं उनकी कुंडली के अनुसार आजकल भगवान विराजित किए जाते हैं। देखिए, पंचांग देख करके किया जाता है उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके बाद भी कर्म गति तारे नहीं तरे, योगी वशिष्ठतम ज्ञानी, योगी वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित, बच बचे लगन धरे। कर्म का जब तीव्रोदय होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता, फिर भी यदि पंचांग आदि देखते हैं तो हमारा काम अपेक्षाकृत अच्छा हो सकता है। और मुहूर्त, जिनका मनोबल कमजोर है उन्हें मुहूर्त देखना चाहिए, और जिनका मनोबल ऊंचा है उन्हें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। चलिए MP महाराज जी, आज मध्य प्रदेश से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बहुत सारे पदाधिकारी उच्च पदों पर आसीन यहाँ पर पवन जी जैन के नेतृत्व में आए, वो अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में सिलिकॉन सिटी महिला मंडल, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल। महाराज जी के श्री चरणों में संपूर्ण MPV परिवार की ओर से बोलो, प्रश्न बोलो, सवाल कर लो। महाराज जी, मेरा निवेदन यह है कि हमारा विभाग अपरिहार और आवश्यक अति आवश्यक सेवा देने में संलग्न है। फिर से बोलिए। महाराज जी, मेरा विभाग जो है समाज को, सोसाइटी को, राष्ट्र को अति आवश्यक सेवाएं देने में संलग्न है, और अभी जैसे बारिश हो रही है तो हमारी फील्ड के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो निरंतर ऐसे भीगते हुए भी अपनी सेवाएँ अभी दे रहे होंगे। ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि वो दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो राष्ट्र को सेवा, समाज की सेवा करते हुए तो निश्चित रूप से मेरी सोच यह है महाराज जी कि वो उच्च गति देव गति को प्राप्त होते होंगे, मृत्यु को प्राप्त होके। देखिए, कोई भी क्षेत्र है अगर व्यक्ति कार्य कर रहा है और ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहा है जहाँ जोखिम,
और समर्पित भाव से काम कर रहा है तो हमारे देश में कर्म को भी पूजा का है और उसका कार्य किसी न किसी रूप में देश और समाज की सेवा में सहायक है, तो हमें उसे सकारात्मक रूप में ही देखना चाहिए। और हमारा देश तो बहुत उदार है, आदमी कुछ भी करे मरने के बाद स्वर्गीय कहा जाता है, तो जब हम कुकर्मी को सुकर स्वर्गीय मान सकते हैं तो सत्कर्मी के लिए संकोच कैसे। बहुत बहुत हाँ, पारसनाथ महिला मंडल सिलिकॉन सिटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पुलक जी गोयल जबलपुर। सिलिकॉन सिटी महिला मंडल की तरफ से गुरु के वर्ष चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी की जनरेशन और बच्चों की इस पर ही बात पर अटकी होती है कि मैं ही सही हूँ, जिसके चलते कई बार, फिर से बोलिए गुरुवर, अभी की जनरेशन और बच्चों में यही बात पर अटके होते हैं कि मैं ही सही हूँ, जिसके चलते कई बार ईगो हर्ट हो जाता है, रिश्तों में खटास हो जाती है। तो हम अपनी इस दुर्बलता को और बच्चों में ऐसे कैसे संस्कार डालें कि वो मैं ही हूँ, मैं ही सही के साथ साथ दूसरों का भी पक्ष सुने। उनको अनेकांत का अर्थ बताएं और हमेशा हर घटना के साथ दूसरे पक्ष से भी अवगत कराएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। डॉक्टर पुलक जी गोयल जबलपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संदीप जी जैन अवंती परिवार सतना। पूज्य श्री के चरणों में डॉक्टर पुलक जी के सम्मान के लिए धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्रीमान तो भी आ जाओ ना, दोषी जी, और चले चले आप बोलिए पुलक जी। हाँ। पूज्य श्री के चरणों में बारम्बार नमोस्तु। पूज्य श्री, आपके संस्कार बचपन में मिले थे जब आपका छात्रमास कटनी में हुआ था और धीरे धीरे वो पुष्पित और पल्लवित हुए हैं आपके आशीर्वाद से। प्राकृत भाषा में सबसे पहली PhD लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उस समय बड़ा उत्साह था और सीखी भी प्राकृत भाषा उत्साह के साथ, और ऐसा मन था कि हम प्राकृत भाषा को पूरे देश में फैलाएंगे क्योंकि जैन धर्म के मूल ग्रंथ ही प्राकृत भाषा में हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है तो काम कुछ कुछ तो हो रहे हैं लेकिन उत्साह ठंडा होता जा रहा है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम प्राकृत भाषा के लिए कैसे स्वयं उत्साहित हों, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये प्रश्न है। मैं क्या करूं जिससे मैं प्राकृत भाषा के प्रचार में और अच्छा कार्य कर सकूं? नमस्ते। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर पुलक जैन का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे समाज के बड़े ही प्रतिभावान और एक स्थापित विद्वान हैं। सांगानेर से शिक्षा पाकर जबलपुर में रहते हुए अपने व्यवसाय से अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ये धर्म प्रभावना के कार्य में लगे हुए हैं। ये बहुत अनुकरणीय पहल है और इनसे समाज को बहुत उम्मीद भी है। आपने प्राकृत में PhD लिखी, प्राकृत को आप पढ़ाने का भी काम करते हैं। आपका उत्साह मेरे ख्याल से इसलिए घटता होगा कि एक समय पढ़ने का मन होता है, बाद में पढ़ाने का मन होता है, और पढ़ाने का मन तभी होता है जब कोई पढ़ने वाला हो। प्राकृत के प्रति लोगों में बड़ी उदासीनता है और किसी अध्यापक या विद्वान के सामने पढ़ने वाला ना हो तो उसका उत्साह ठंडा होता है। तो मैं तो ये कहूँगा पुलक, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता और प्रतिभा है। अपने उद्बोधनों और अन्य माध्यमों से लोगों के हृदय में ऐसा उत्साह जगाओ कि वे प्राकृत के प्रति लगाव उत्पन्न करें और घर बैठे प्राकृत अध्ययन का कोर्स करें। आजकल बहुत सारे लोग प्राकृत का अध्ययन कर रहे हैं। अपने संघ में प्रणाम सागर जी महाराज ने भी प्राकृत को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग भी ऐसा ही काम करें। और आप सबसे कहता हूँ, खासकर महिलाओं से कहता हूँ, आपके पास बहुत सारा समय रहता है, आप सोशल मीडिया में अपना समय गंवाने की जगह प्राकृत अपभ्रंश जैसी भाषा को सीखना शुरू करें। घर बैठे उस पर डिप्लोमा और डिग्री के आप कोर्स भी पूरा कर सकते हैं और उसका लाभ ले, क्योंकि हमारा मूल मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो हम प्राकृत का अनुकरण करके करेंगे तभी कुछ अच्छा परिणाम निकाल पाएंगे। इसलिए प्राकृत भाषा के लिए सभी को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। संदीप जी जैन सतना अवंती परिवार जो बनाए थे ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे
गुणायतन के निर्माण मंत्री रमेश जी सतना, इंजीनियर रमेश जी सतना। गीता के श्लोक, मानस की चौपाई, वेदों की ऋचाएं, कुरान की आयतें और कुंद कुंद का समय सार, यदि एक समय पर किसी एक श्रीमुख से सुनना है तो वो नाम होता है परम पूज्य एक बार श्री प्रमाण सागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री के चरणों में ससंग नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री जी, जब से आप इंदौर आए हैं देवी अहिल्या की नगरी में, अनेक महिला संगठनों ने महिला सशक्तिकरण की बात की है, जबकि वर्तमान में देश के सर्वोच्च पद पर महिला विराजमान है, देश की अर्थव्यवस्था महिला के हाथ में है, संसद और विधानसभा में 33% का आरक्षण उनके पास है, कितना सशक्त होना चाहती हैं। और नर से सदा भारी नारी शब्द से भी वो ही भारी है। और महाराज श्री जी, वर्तमान में पहले महिलाएं हाउसवाइफ हुआ करती थी, अब महिलाएं वर्किंग वूमेन बन गई हैं, तो पुरुषों की स्थिति आप समझ ही सकते हैं कैसी हो गई है। मुझे तो समझ में आ रहा है। महाराज श्री जी, जितने युद्ध हुए हैं, सुनो मुझे समझ में आ रहा है कि बाजू में होने के बाद बोलने की हिम्मत कैसे कर पा रहे, समझ गए। जितने युद्ध हुए हैं इनके कारण हुए हैं, मरे आदमी, चाहे रामायण का हो और चाहे महाभारत का हो। महाराज श्री जी, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि पुरुष से कैसे सशक्तिकरण हो उसके बारे में आप समाधान दें। और इंदौर की कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुरातन परंपरा में नया अध्याय शुरू किया है। पहले आप कहते थे सीताराम राधे श्याम, इंदौर में कहा जाने लगा है अशोक रानी दोषी भरत कुसुम मोदी, तो इंदौर वालों के इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते महाराज जी। देखो, आपने जो बात कही है, आपकी इस बात में मुझे दो बातें दिखती है। एक तो कहीं तुम्हारे खुद का अनुभव, और दूसरा तुम्हारा अपना कोई नजरिया। मेरे विचार से जितना मैं समझता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा अनुभव नहीं होगा, होता तो इतनी हिम्मत नहीं होती। और जहाँ तक नज़रिए का सवाल है, उसे बदलना चाहिए। नारी की प्रगतिशीलता सदैव स्वागत योग्य होती है। और एक बात ध्यान रखना, अतीत के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हमारा इतिहास बताता है कि जब जब आसुरी शक्तियाँ हावी हुई है, तब तक कोई नारी शक्ति ही उभर कर उसका अंत की है। चाहे महिषासुर हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे और कोई हो, कभी वो दुर्गा बनकर तो कभी वह काली बनकर, कुछ भी रूप लेकर वह अपना समाज में आए हुए आसुरी शक्ति का अंत की, समझ गए। तो ये चीज़ें यदि हो रही है तो इसमें बुराई नहीं, उनका आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उनके आगे बढ़ने में पुरुषों को पीछे महसूस करना या पुरुषों को पीछे करने की कोशिश करना, ये ठीक बात नहीं। नर और नारी को एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के चलना चाहिए, साथ निभाना चाहिए, साथ देना चाहिए। हमेशा एक बात मनोमस्तिष्क में अंकित रखिए कि एक गाड़ी के दो पहिए हों तो गाड़ी ठीक चलती है, दोनों पहिए समान हों तो गाड़ी ठीक चलती है, और यदि असमानता हो तो खींचातानी होती। गिरधर की एक कुंडली मुझे सार्थक दिख रही है, उन्होंने लिखा जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दुर नर नारी, जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी, सुख मंजिल तय करन हेत तुम रहू इन्हें संहारी, तुम रहू इन्हें संहारी, चलो नित चलो न तुम रहो इन्हें संहारी, चलो ना आगे पीछे दोनों सम जब होए, चलो तब आंखें मीचे। कह गिरधर कविराय
या भी राहे यह कह गिरधर कवि राय नित रहे यह विधि नारी नर और दोनों साथ रहे सफल तब निश्चित जीवन। तो इस तरह से अगर जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। तो आंख मूंद कर चलो जब समानता हो। खींचातानी करने से कोई फायदा नहीं है और समानता रखने में कभी नुकसान नहीं है। इस बात का हम सब ध्यान रखें और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा करके चले। रमेश जी को कल अवसर देंगे। हेलो, ओम शांति।